हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं जा रहा हूँ यहाँ पे इस्कॉन टेंपल में, ठीक है। तो एक्चुअली ये भी इस्कॉन टेंपल ना पूरे ये उड़ीसा से बाहर ही है किसी गांव में, तो बस का बड़ा चक्कर पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने एक 7-Eleven करके कोई मार्केट है वहाँ तक बस लेके उसके बाद मैं ये कैब बुक करवा के जा रहा हूँ। तो चलो जाके दिखाता हूँ आपको आज इस्कॉन टेंपल। ये कुछ ऐसा एरिया है यार यहाँ पे, मुझे लगता है अच्छा ये है, ये रहा यहाँ पे इस्कॉन टेंपल, कुछ ऐसे एरिया में है। तो चलो जाके देखते हैं अंदर, ठीक है। शायद मैं लेट हो गया हूँ, ये प्रोग्राम हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा इसका मुझे मालूम। इस्कॉन टेंपल भी यार काफी बड़ा है, ठीक है, काफी खूबसूरत भी है। ये देखो अभी नीचे थोड़ा कीर्तन वगैरह हो रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर भी देखने लायक काफी, इन्होंने कमरे वगैरह थोड़ा ये जो मार्केट वगैरह ये शॉप वगैरह बनाई हुई है, तो ये देख सकते हो आप। ये देखो ये अंदर ये मार्केट है एक छोटी सी, ये देखो और उधर रूम वगैरह बनाए हुए हैं, ठीक है। और उधर भी काफ़ी कुछ ये एक्टिविटी वगैरह कर रहे हैं अंदर, वहाँ पे रूम वगैरह है। ये इस्कॉन टेंपल भी ना वैसे तो एवरीडे ओपन होता है, बट संडे को जो है ज़्यादा ये एक्टिविटी जो कीर्तन वगैरह, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा करते हैं यहाँ पे, तो संडे को ज़्यादा लोग भी आते हैं, इकट्ठे होते हैं लोग।
जी मेरा सफ़र अब यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। यहाँ इस्कॉन टेम्पल भी देख लिया, अच्छा लगा, काफ़ी इंडियंस लोग भी मिले थे, ठीक है। तो ये काफ़ी यार दूर है यहाँ से, ठीक है, मीन्स ये उड़ीसा से काफ़ी दूर है। एक अलग से वो आ जाता है, मुझे लगा पीछे कुत्ता भोंगा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, दो बाची निया।